हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि एग्जाम्स में उन्हें हम कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस इज। अब देखिए, इसमें थ्री टर्म्स हैं अंदर, 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसको देख करके ही आप घबरा जाते हैं, अरे इतना बड़ा एक्सपेंशन है, कैसे खोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यूजुअली हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कुछ भी है, x, y, z कुछ भी है, ठीक है, मान लो थ्री टर्म्स है या कुछ भी, जितनी भी टर्म्स हैं, तो उसका एक्सपेंशन आपको खोलना है। तो यूजुअली आप क्या करिए, ये टर्म्स काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3। तो यहाँ पर जितना है उससे एक कम कर दीजिए, और यहाँ पर भी 3 माइनस 1, तो ये बन जाता है n+2c2। ऐसे ही हमारे इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 2x+3y-4z पावर है n। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो आप कैलकुलेट करिए, 1, 2, 3, ये यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3। तो यहाँ करेंगे 3 माइनस 1, जितना है उसमें n प्लस कर दीजिए, n+3, और फिर 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय c, सॉरी डिवाइड बाय नहीं, कॉम्बिनेशन c, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वही 1, 2, 3, 3 माइनस 1, तो ये बन जाता है आपका n+2c2। अब इसको खोलेंगे, तो खोलते ही आपको ध्यान, यहाँ से ऑप्शन आई थिंक आपको पता चल गया होगा ऑप्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका n+2, n+1, और ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, n+2 - 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच गया n+2, n+1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 2 के ही, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं कौन सा होगा, सी। ये मैंने करके दिखाया इसीलिए आपको समय लगा, एक बार आपको जो है शॉर्ट ट्रिक इसकी पता चल जाएगी तो फिर आप जो है दिक्कत नहीं मानेंगे और इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सिर्फ 3 के लिए नहीं है, यहाँ पे 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, कितने भी हो जाएं, आपको क्या करना है, सपोज करिए 5 है, तो क्या कर देंगे, n+5 - 1 c n 5 - 1। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका 7th क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन द कॉन्स्टेंट टर्म निकालनी है आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो यहाँ देखिए x+a raised to power n, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जनरल टर्म अगर हम निकालते हैं, जनरल टर्म, तो उसका क्या होता है, ncr x raised to power n minus r a raised to power r, यही रहता है। तो इसी से ही अगर हम इसको कंपेयर करें 250, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जनरल टर्म इसकी कितनी आ जाएगी, जनरल टर्म हमारे पास आ जाएगी 15 cr x raised to power 3 15 minus r minus 1 by x square into में r sorry power r, ये माइनस है, माइनस आप बाहर ले आइए, -1 power r, ये हो जाएगा 15 cr। ठीक है, अब यहाँ पर x raised to power 45 minus 3 r, और ये है x 2 r। ठीक है, तो अब इसको हम खोलेंगे, तो ये हमें क्या दिखाना है, -1 raised to power r 15 cr x raised to power 45 minus 3 r, और इंटू में x raised to power minus 2 r। ठीक है, तो यहाँ से ये -1 raised to power r 15 cr, और इसको कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 minus 5 r। अब आपको पूछा है कोफिशेंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म के लिए इसकी पावर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो x 45 minus 5 r है,
दैट मीन्स x की पावर कितनी होनी पड़ेगी, जीरो होनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इज इक्वल्स टू ज़ीरो रख देते हैं, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। ठीक, अब इसी उसमें फॉर्म पुट करिए इसको, माइनस वन रेज टू पावर 9 15c9। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस 15c9। देख सकते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज, आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स निकालना है। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब होता है कि आपके इंटीग्रल टर्म कौन सी है। इसमें फ्री फ्रॉम रेडिकल देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंटीग्रल टर्म निकालनी है कि इंटीग्रल टर्म कौन सी है। उसका एक सीधा सा तरीका है, यहाँ आप देखिए y रेज टू पावर दिस, x रेज टू पावर 1/10, पावर कितना है 55। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये हो गया 5। आपको क्या करना है, जो पावर दी होती है, जो पावर दी है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर और 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। अब उसमें डिपेंड करता है आप 1 ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे। 1 ऐड करने का और ना ऐड करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको, अब 5 है ना, अब मैं इसमें बता रही हूँ 1 ऐड करेंगे, 6 टर्म्स होंगे इसके टोटल। कैसे ऐड करेंगे वो आप यहाँ देखिए, देखिए जब हम इसको करते हैं तो इसमें जो है हमारा क्या आता है, ये आएगा आपका 55 है। हाँ, इसका एक्सपेंशन जब हम खोलेंगे तो ये आया, इसका एक्सपेंशन आपने खोला तो ये आ जाएगा 55 CR y raised to power 1/5 55 minus R और फिर x raised to power 1/10 इंटू में पावर, सॉरी पावर R। तो बेसिकली प्लस वन करना है या नहीं करना है उसके लिए आप यहाँ पर R को जीरो पुट करके देखेंगे। R को आपने जीरो पुट किया, उसके बाद ये जो है आपका R को जीरो पुट करने के बाद ये आपका कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आप वन ऐड करेंगे, अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वन ऐड नहीं करेंगे। करके देखते हैं 55 CR y, इसको तो छोड़ दीजिए, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने जनरली बताया। ये हो जाएगा 1/55 इंटू 55 और x हो जाएगा, r को आपने ज़ीरो पुट कर दिया तो ये तो हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से ये आपका गया, तो ये आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक, कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आप क्या कर देंगे, वन ऐड कर देंगे। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वन ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा था इसलिए मैंने कितना कर दिया, यहाँ पर 6 कर दिया। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, हाँ, इसमें आपको निकालना है कोफिशियंट ऑफ एक्स प्लस 2/9, कोफिशियंट ऑफ दिस वन, एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, आपको कोफिशियंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें सीधा सा ही फॉर्मूला है, आप करेंगे इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से देखिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, x प्लस a रेज टू पावर n, तो ncr x रेज टू पावर n माइनस r, a रेज टू पावर आपका हो जाएगा r। तो यहाँ से इस एक्सपेंशन से करेंगे x प्लस 2y/9, सो ये जगह ncr x रेज टू पावर n माइनस, n की जगह पे क्या चल रहा है 9, तो इसको 9 कर लेंगे यहीं पर ही, 9 CR माइनस r और 2y/r। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेंगे। आपको क्या चाहिए, कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 6,
यहाँ 6 कब बनेगा, जब r की वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाए, तो ऐसे सोचना है। r की वैल्यू हमें मिल गई कितनी हो गई 3, तो ये हो गया x रेज टू पावर 6 और 2y पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर 9c3 और क्या बचा 2 रेज टू पावर 3, समझ गए। तो इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है कि यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट है आपका ये वाला x माइनस 3y पावर 2, x प्लस 3y पावर 2, और फिर आपको क्या निकालना है उसका पूरे का क्यूब, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूजुअली हम क्या लेते हैं कि जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है, इसको देख करके घबराना नहीं है। तो यहाँ देखो x माइनस 3y, x प्लस 3y दोनों का स्क्वायर है, तो मैं इसको कॉमन स्क्वायर कर लेती हूँ और ये 3। a माइनस b, a प्लस बी, तो हम इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर पावर 2 और फिर क्यूब। अब ये पावर और पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, 6 प्लस 1 तो कितनी हो जाएंगी 7।